हरतालिका तीज का पर्व पूरे देश में महिलाओं द्वारा बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, जहां महाकाल की नगरी उज्जैन में भी हरतालिका तीज के अवसर पर सुबह से ही शिव मंदिरों में महिला श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला, जहां सुबह से ही मंदिरों में महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हरतालिका तीज पर्व की धूम उज्जैन के पटनी बाजार स्थित सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में भी देखने को मिली, जहां हरतालिका तीज पर्व के अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा दिखाई दिया। जहां भाद्र पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाए जाने वाली हरतालिका तीज नाम के इस पर्व पर महिलाएं निर्जल उपवास करती हैं, साथ ही कन्याएं भी अपनी श्रद्धानुसार व्रत रखती हैं। आज हस्त नक्षत्र की तृतीया है और आज के दिन सभी महिलाएं कुंवारी लड़कियां हैं अपने अच्छे पति के सामना से इस व्रत को करती है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छा और दीर्घायु हो और खूब अच्छी तरक्की हो, इस उद्देश्य से इस व्रत को करते हैं। माता पार्वती ने भी अपने शंकर जी को पाने के लिए इस व्रत को किया है और सभी महिलाएं इस व्रत को करके उत्तम व्रत फल की कामना करती है। और बाबा महाकाल और बाबा सौभाग्येश्वर महादेव का ये मंदिर ऐसा है कि यहाँ पूरे उज्जैन शहर की महिलाएं इस मंदिर में दर्शन करने आती है और मंदिर में पूजा कर दर्शन कर लाभ लेती है। और अपने सौभाग्येश्वर महादेव ये 61/84 महादेव है और जो है महाकाल वन में आता है। यहाँ पर भादो पक्ष की शुक्ल तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र हो उस दिन यहाँ पर सभी महिलाएं आकर पूजा करती है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए कामना करती है तथा कुंवारी स्त्रियां युग वर की प्राप्ति के लिए यहाँ प्रार्थना करती है, रात भर जागरण करती है, मंगल गीत गाती है। यहाँ पर सावन भादव मास में जो है श्रृंगार होते हैं भगवान के, सभी महिलाएं आकर यहाँ पर पूजा आरती का आनंद लेती हैं। यह पूजा रात्रि 12 बजे से होकर दूसरे दिन रात्रि 12 बजे यानी 24 घंटे सतत भगवान को जल प्रसाद फूल पत्ते वगैरह सब चढ़ते रहते हैं और यहाँ गंधर्व सिद्ध चारण तथा सभी आनंदित एक आनंद की मुद्रा यहाँ पर प्राप्त है। हम आपको बता दें कि उज्जैन के सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर उज्जैन के 84 महादेव मंदिरों में शामिल है और हरतालिका तीज पर्व पर यहां दर्शन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस मंदिर में रात 12 बजे से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एम्प न्यूज, उज्जैन।